हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पांडा का जो डाटा फ्रेम है आज उसके बारे में एक कोड देखेंगे हम कि ये कोडिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, तो पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी पांडास की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर रखा है। मैं ऐसे सीधा कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करवाएंगे। देखिए पांडास को तो आपको इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास, इस तरीके से लिख दीजिएगा इम्पोर्ट पांडास, फिर एंटर करके नीचे आइएगा और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ डाटा नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डबल डॉट कोट्स के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। लाइक मैं लिख देता हूँ कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे राम हो गया, फिर यहाँ श्याम हो गया, फिर यहाँ पे रामू हो गया, इस तरीके से कुछ नाम मैं यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ। तो ये हो गया, अब इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे ना, दो ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब दो ब्रैकेट ओपन करने के पीछे रीजन क्या है अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कॉमा मैं लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर भी कुछ लिखेंगे, लाइक उमेश, कुछ भी ऐसे कोई भी नाम, कोई भी स्ट्रिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, लाइक उमेश लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉमा गौरव लिख दिया, तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको बंद करेंगे। ठीक है, या फिर और भी नाम इसमें एंटर करवाए जा सकते हैं, तो ये तो फिलहाल हमने कर दिया है और इस ब्रैकेट को भी कर दिया है क्लोज। ठीक है, यानी दोनों चीजें क्लोज हो गई। अब क्या करना होगा, अब करना ये है कि यहां पर मैं एक और बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिखेंगे, पीडी, पीडी यहाँ लिखा है ना ऊपर इम्पोर्ट पांडास, और यहाँ पे लिख दीजिएगा एज पीडी। ठीक है, पीडी सीडी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पीडी ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पीडी कर दिया और यहाँ पे क्या करेंगे डॉट। ठीक है, और यहाँ देंगे डाटा फ्रेम, क्या देंगे, डी ए टी ए डाटा, और फिर यहाँ एफ आर ए एम ई फ्रेम, डाटा फ्रेम दे दिया। ठीक है, और डाटा फ्रेम देने के बाद यहाँ पर आपको डाटा को ही प्रिंट कराना, ऊपर देखिए डाटा लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, तो उसी को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। और अब यहाँ पर हम किसको प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे डाटा को प्रिंट कराना है या डीएफ को, तो इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे डीएफ को ही प्रिंट कराना है। ठीक है, तो डीएफ लिख दिया, अब यहाँ से आप फाइव करेंगे, इसको एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी नाम से इसको सेव करेंगे डॉट पी वाई लगा करके। ठीक है, तो ये सेव कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ इस सीक्वेंस में लिखा हुआ आएगा, जीरो, अब देखिए जीरो वन यहाँ पे है, फिर जीरो, और फिर यहाँ पे राम है, उमेश है, फिर यहाँ देखिए ये किस सीक्वेंस में प्रिंट होके आया आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने नाम है उसी हिसाब से ये प्रिंट होके आया हुआ है। ठीक है,